यू द स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पूरा खत्म हो जाने के बाद भी हमारे लिए इतने सारे सवाल छोड़कर गया है जिनको सॉल्व करने के लिए भाई पूरा एक जन्म भी कम पड़ने वाला है। जैसे कि एंड ऑफ द सीजन में आखिरकार मैक्स मेफील को ऐसा क्या हुआ जिससे कि वो देख और सुन नहीं पा रही थी। वैसे दोस्तों इस विषय पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को एक बार देख लेना। लेकिन दोस्तों आज हम विल वायर्स के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों पूरे सीजन भर ही यहाँ पर उसका जो मूड था वो अपसेट सा ही था। और चाहकर भी दोस्तों कई बातें ऐसी थी जो कि वो एक्चुअल में लोगों को बताना चाहता था लेकिन चाहकर भी भाई किसी को नहीं बता पा रहा था। तो आज इसी सब्जेक्ट को थियोराइज करने वाले हैं हम। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो भाई मैं एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि आप मूवी सिनेमा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो। तो भाई देरी किस बात की यार, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। तो यार बिना और दो बात ज्यादा किए करते हैं ज़ाज़ो वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर सीजन 4 वॉल्यूम 1 के दौरान कई ऐसे सीन आए। यहाँ पर दोस्तों हमको कुछ ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर विल मन ही मन अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहाँ तक कि दोस्तों माइक ऑलरेडी रिलेशनशिप में था वो भी 11 के साथ। और कई दोस्तों ऐसे मूवमेंट्स भी आते हैं जो कि इस चीज को पूरा पूरे तरीके से प्रूव भी कर देते हैं। दोस्तों आप इस सीन को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर माइक 11 के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ रहा है लेकिन दोस्तों पीछे आप विल का रिएक्शन भी देखिए, वो इन दोनों के रिलेशनशिप से ज्यादा खुश बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर विल ने अपनी फीलिंग्स को क्लियर करने की बहुत बार कोशिश की। उसने कई बार ऐसा कहा कि मुझे यहाँ पर तुमने रिप्लेस कर दिया वो भी 11 के साथ। और तो दोस्तों जब उसकी तरफ कोई फीमेल अपना इंटरेस्ट जताता था तो यहाँ पर विल उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं जताता। भाई दोस्तों एपिसोड 8 के दौरान एक ऐसा सीन आता है जब यहाँ पर 11 को रेस्क्यू करने के लिए पूरी टीम निकल पड़ती है। उसी कार का दोस्तों एक सीन है जहाँ पर विल माइक से कहता है कि उसे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं रहने वाली है अगर तुमने उसे एक बार ढूंढ लिया। और इस डायलॉग को खत्म कर लेने के बाद यहाँ पर विल थोड़ी देर बाद इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वहीं दोस्तों पर विल 11 को भी मेंशन करते हुए बोलता है कि वो किस तरीके की फीलिंग यहाँ पर उसके लिए रखती है। लेकिन दोस्तों सारी चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी है उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विल सारी चीजें बता रहा था। और दोस्तों पर विल ने सारे ग्रुप को मेंशन करते हुए ऐसा भी कुछ कहा था कि तुम हमारे ग्रुप के हार्ट हो, हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत, और अगर इस ग्रुप का हार्ट ही चला गया तो ये किस तरीके से फंक्शन करे। और यहाँ पर दोस्तों विल ऐसा बताता है कि कैलिफोर्निया चले जाने के बाद 11 भी तुम्हारे बिना स्टेबल नहीं है, उसे कुछ अलग अलग सा फील हो रहा है। और दोस्तों हो ना हो यहाँ पर विल अपनी ही बात कर रहा था क्योंकि दोस्तों वो अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वही दोस्तों आगे चलते हुए एक एपिसोड में एक ऐसा सीन आता है जब फाइनली 11 को सारे लोग लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पर कैमरा एंगल के थ्रू माइक और 11 के बीच विल खड़ा हुआ। और दोस्तों ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पर कि ऐसा बताया जा रहा है कि फाइनली दोस्तों यहाँ पर विल सपोर्ट करने लगा है 11 और माइक को। और तो दोस्तों कार में बैठे बैठे यहाँ पर सारी बातें ऑब्जर्व कर रहा था जोनाथन, जो कुछ भी दोस्तों यहाँ पर विल ने माइक से कहा। और होना दोस्तों मैं यहाँ पर पर्सनली बिलीव करता हूँ कि उसे सारी चीजें समझ में तो आ रही थी। और एपिसोड 9 के सीन के दौरान यहाँ पर दोस्तों जोनाथन विल से माफी भी मांगता है कि हाँ मैं कुछ दिनों से तुमसे दूर था, अपने नशे की लत से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मुझसे ज्यादा तुम्हें चाह सके। अब दोस्तों एक कंक्लूजन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों एक सीधा सीधा सा कारण ये हो सकता है कि विल बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया था। जैसे ही वो कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुआ था तो जो उसके पुराने दोस्त थे उनसे भी बात करना लगभग उसने बंद कर दिया था। जोनाथन अपने नशे की लत में बहुत ज्यादा परेशान था, 11 से वो कभी इतना खुल के बात नहीं कर पाता था। अब इन सब के बाद दोस्तों वो अपने आप को बहुत ही अकेला फील करता था जो कि वो माइक के साथ बिल्कुल भी नहीं करता था। जो लाइफ उसकी हॉकिंस में माइक के साथ थी वो उसके बाद उसके पास नहीं रही। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही माइक और 11 मिले तो यहाँ पर वो अपने आप में ही अकेला पड़ गया, वो अपने आप की खामोशी से ही लड़ने लगा। चाहकर भी दोस्तों यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। बाकी दोस्तों इस सीजन में तो यहाँ पर विल के बारे में कुछ स्पेशल बताया नहीं गया, लेकिन दोस्तों हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सीजन में विल अपनी जो फीलिंग्स वो माइक को एक्सप्रेस करेगा। बाकी यार मैंने मेरी तरफ से रीजन क्लियर कर दिया। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं विल के बारे में कि उसका मूड इतना अपसेट क्यों था? आपके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक सिद्धांत वीडियो में, तब तक के लिए बाय।